students, today I am going to teach you our next topic of chapter 2. जो chapter 2 जो बच्चों हमने previous lecture में start किया था, दो lectures के हमने देखे थे. Chapter 2 का नाम क्या है? Getting started with Windows 7. So बच्चों आज chapter 2 के अगले topic को समझाने से पहले मैं थोड़ा पीछे का टॉपिक्स रिवाइज करना चाहूंगा. सो बच्चों पहले हमने विंडोज 7 के बारे में जाना. विंडोज 7 क्या है? सो विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आज के जमाने की या पॉपुलर वाइडली यूज सर्वर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे ग्राफिक्स भी किया जा रहा है. उसकी स्पीड एक्यूरेसी एफिशिएंटली काफी अच्छी है. कॉलेज ऑफिस गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट कंपनीज काफी सारे रिसर्च डेवलपमेंट में ये हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होती है. हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म ओएस के नाम से जानते हैं. जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किए आज के 10-12 साल से ये विंडोज 7 मार्केट में पब्लिक पर्पस के लिए चल रही है. सो विंडोज 7 जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाती है और विंडोज 7 उसका वर्जन है. बच्चों सो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसका यूजर इंटरफेस यूआई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है. यूआई यूजर इंटरफेस ठीक है बच्चों. यूआई मींस यूजर इंटरफेस जो हमारा इंटरफेस यूजर के लिए इजी टू यूज इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू उसमें आपको ऑल प्रोग्राम्स जो आपके सॉरी
left panel, right way. Now I'll start menu on right side for notification area. Notification area में आपको notification alert और warning alerts मिलेंगे, चाहे वो hardware, software, antivirus का और internet, intranet और wifi net के आपको alert notification वहाँ पर notification area में तुरंत बाजू पर right side पर आपको आज का date and time देखने को मिलेगा, current date and time उस पर आप ठीक है double click करके उसका date and time actions या उसका setting आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो बच्चों काफी सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा कि कोई भी आइकन्स को हम क्लिक या डबल क्लिक करकर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी कोई भी आइकन को ओपन कर सकते हैं। ये आइकन ये हमारा फाइल भी है या तो फोल्डर है या तो कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को ये रिप्रेजेंट करता है। कोई भी आइकन को हम बच्चों सिलेक्ट करकर राइट क्लिक कर सिलेक्ट करकर राइट क्लिक करकर मतलब कॉपी दबाकर कोई और जगह ले जाकर वहां जाकर हमें पेस्ट करना है, जहां से कॉपी करना है वहां कॉपी कर, जहां लगाना है वहां सेव करना है वहां पर पेस्ट, ठीक है। या तो या फाइल और फोल्डर को आइकन्स को सिलेक्ट करकर कीबोर्ड में से उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल सी तो जहां ले जाना है वहां जाकर कंट्रोल डी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल यू। कॉपी पेस्ट का मतलब डुप्लीकेट आइकन या डुप्लीकेट फाइल फोल्डर बनाना और उसको क्रिएट करना। वैसे ही बच्चों कट पेस्ट कहां से निकाल कर कहां डालना है, कंट्रोल सी में से डालते हैं डी में ड्राइव है, सी ड्राइव से डी ड्राइव या डी में से ई में और वहां से डेस्कटॉप पर, तो बच्चों हमें कट पेस्ट करना है। वहां से राइट क्लिक करके कट मतलब वहां से निकल जाएगा पूरा पेस्ट करना है, वहां जाकर पेस्ट, कॉपी पेस्ट में डुप्लीकेशन होगा और कट पेस्ट में एक मूवमेंट होगी, उसको बोलते हैं मूव करना। तो मूव जैसे कि हम मोबाइल स्मार्टफोन में और टैबलेट में मूव दबाते हैं तो वहां दूसरी जगह सेट कर सकते हो। कट के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट के लिए कीबोर्ड में से शॉर्टकट की कंट्रोल वी। सो ऐसे बच्चों फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड और माउस की मदद से या माउस से कोई लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक या कीबोर्ड में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल और फोल्डर को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई और जगह मूव कर सकते हैं। कोई भी फाइल फोल्डर को जो आपको डिलीट करना है तो आइकन पर राइट क्लिक करके डिलीट दबाएंगे, फिर आपको पूछा जाएगा तब ओके दबाकर डिलीट कर सकते हो। जो भी बच्चों सिर्फ ओनली डिलीट बटन दबाया है या कीबोर्ड का डिलीट हो या माउस से राइट क्लिक करके डिलीट, तो वो फाइल डिलीट होकर हमारे रिसाइकल बिन में जा रही है। यदि आपने गलती से डिलीट कर दी या तो आपको लगा आपने गलती से डिलीट कर दिया आपको फिर फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं, तो आप रिसाइकल बिन में जाओ, वहां से वो फाइल फोल्डर या आइकॉन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिस्टोर दबाओ, तो रिस्टोर करके जो फाइल फोल्डर आपने डिलीट किया था वो अपनी खुद की ओरिजिनल जगह पर रिस्टोर हो जाएगा, फिर आप इसको ओपन कर सकोगे या इस्तेमाल कर सकोगे। सो यहाँ पर डिलीट की हुई सिर्फ डिलीट है, सिर्फ आपने डिलीट बटन दबाकर डिलीट की हुआ फाइल फोल्डर का आइकन आप उसको रिस्टोर या वापस लाकर इस्तेमाल कर सकते हो। और जो चीज बच्चों आपने सिर्फ डिलीट दबाया कीबोर्ड में से सो परमानेंटली आपको रिसाइकल बिन में देखने को नहीं मिलेगा, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में से वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो बच्चों ध्यान रखना है कब डिलीट दबाना है, कब सिर्फ डिलीट दबाना है। ऐसे ही बच्चों फाइल फोल्डर को कट कॉपी पेस्ट सिलेक्ट डी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहीं भी जाकर राइट क्लिक करके न्यू दबाएंगे तो न्यू में नई कोई भी फाइल फोल्डर या डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, ठीक है। फिर हमने लाइब्रेरी देखी थी, लाइब्रेरी हमारे एक्सप्लोर करके माई कंप्यूटर में जाकर और स्टार्ट मेनू में जाकर लाइब्रेरी सिलेक्ट की, चार लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर सकते हो, फोर लाइब्रेरी याद है, पहले माय डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए वो माय डॉक्यूमेंट्स, फिर माय पिक्चर जिसका आपको इमेज फोटो मिलेंगे, माय ऑडियो साउंड जिस पर आपका कोई सॉन्ग ऑडियो और कुछ भी जो ऑडियो डाला हो माय साउंड्स और माय ऑडियो में माय साउंड्स में और माय वीडियो सिलेक्ट करके आपको जो भी वीडियो या क्लिप आपने डाली है रखी गई है पहले से वो वहाँ मिलेगी। सो फोर लाइब्रेरी
फाइल नंबर या डॉक्यूमेंट्स वो आपको टास्क बार में आपको उसका एग्जिस्टिंग आपका उसका स्टेटस दिखाई देगा। ठीक है, आप वहाँ से कोई भी फाइल फोल्डर को या आइकन्स को वहाँ जाकर क्लिक करके ओपन करके उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज उसको डाउन और क्लोज जो चार बटन आते हैं तो आपको विंडो के टाइटल बार के कोने में दिखाई देते हैं वो चार बटन मिनिमाइज मैक्सिमाइज और इसको डाउन और क्लोज को इस्तेमाल करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ये काफ़ी सारी चीज़ें दे दी। फिर हम प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, डेस्कटॉप बैकग्राउंड जिसको हम वॉलपेपर बोलते हैं। सो हमारे डेस्कटॉप जो बैकग्राउंड हमारा डेस्कटॉप फर्स्ट स्क्रीन का है उसके बैकग्राउंड में कोई भी इमेज फोटो पिक्चर्स डाल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यदि आपको ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड मतलब वॉलपेपर्स देखना है बदलना है राइट क्लिक कर आप डेस्कटॉप पे प्लेन एरिया में जो एम्प्टी एरिया है वहाँ जो राइट क्लिक करके पर्सनलाइज राइट क्लिक करोगे पर्सनलाइज में जाकर आपको विंडो ओपन होगी उसमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर जाकर आपको कोई भी इमेज फोटो पिक्चर जो वहाँ पर है उसको आप सिलेक्ट करके सेटस डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर के तौर पर रख सकते हो। आप कभी भी ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर दिन में एक बार चार बार और कभी भी कहीं भी आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर बदल सकते हो सेट कर सकते हो चेंज कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने यहाँ ऐसे ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में देखा कोई भी इमेज फोटो पिक्चर आप बदल सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन यदि आपको ड्राइव फाइल फोल्डर डेस्कटॉप पर फोटो पड़ा है रखा है और उसको आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड या डेस्कटॉप वॉलपेपर के तौर पर डालना है तो आपको राइट क्लिक करना है वो फाइल फोल्डर के आइकन पर राइट क्लिक करके उसको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड या सेट एज डेस्कटॉप करके आपको सेट क्लिक करना है तुरंत ही आपका वो फोटो इमेज आपके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड या वॉलपेपर बन जाएगा। ऐसे बच्चों आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर सकते हो। फिर बच्चों अब बात कर रहे हैं स्क्रीन सेवर की। आपके स्क्रीन अभी कुछ टेम्पररी आइडल कुछ डीएफपी हो जाती है आपका कंप्यूटर की स्क्रीन या कंप्यूटर आइडल मोड में डीएफपी मोड में आ जाता है मतलब आप कुछ काम कर नहीं रहे हो कंप्यूटर में। यदि आपका कुछ नहीं कुछ घंटों से काम बंद चल रहा है और फिर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हो या कुछ काम करते हो कुछ लिखते हो या कंप्यूटर में से कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो मीन्स आपका कंप्यूटर आइडल मोड में आ गया है तो आप कौन सी फोटो इमेज या कुछ लिखा हुआ कुछ अलर्ट मैसेज रिमाइंडर या कुछ वहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट मैसेज या फोटो इमेज पिक्चर डालना है तो आपको क्या करना है उसको बोलते हैं स्क्रीन सेवर। आप वहाँ टाइम लिमिट दे दीजिए 2 मिनट्स 1 मिनट 3 मिनट्स 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स 5 मिनट्स तो आप इतने टाइम तक जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन आइडल रहेगा तो वो मैसेज वो टेक्स्ट मैसेज वो फोटो पिक्चर आपको स्क्रीन सेवर के तौर पर दिखाई देगा। ये करने के लिए आपको क्या करना है आपके डेस्कटॉप में आपके स्क्रीन पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में जाओगे तो सेम विंडो जो डेस्कटॉप के लिए दिखाई देगी थी उसके तुरंत बाजू पर वही विंडो में डेस्कटॉप के आगे आपको स्क्रीन सेवर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप स्क्रीन सेवर में बच्चों क्लिक कर जो भी टेक्स्ट या इमेज डालनी है और वेट मिनट्स वहाँ जाकर कोई कितने भी मिनट्स आपके आइडल होते हो वेट होते हो उसके बाद आपको वो टेक्स्ट फोटो इमेज पिक्चर दिखा देगी। तो बच्चों ऐसे हम पर्सनलाइज में जाकर आपका स्क्रीन सेवर आपके जो भी टाइम डाल सेट करना है उसके वेटिंग टाइम पर कोई भी टेक्स्ट या फोटो स्क्रीन सेवर के तौर पर सेव कर सकते हो और सेट कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने हमारे चैनल में विंडो गेटिंग स्टार्टेड इन विंडो 7 में ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर स्क्रीन सेवर और पुरानी चीज़ें कंसेप्ट भी देखा। अगला टॉपिक्स गैजेट्स वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों एक पूरी चीज़ जो स्क्रीन पर डेस्क हमारा वर्क पर लिखी है मैंने आज का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर आप घर पर उसको देख सकते हैं।